गुरुवार को आगरा के फतेहाबाद में मतदान के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद उपद्रवी पोलिंग बूथ पर हमला बोलकर दो मत पेटियों को उठाकर ले गए, जिस पर पुलिस ने 24 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। मामला आगरा के थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहाबाद के रेहावली गांव का है, जहां गुरुवार को पंचायती चुनाव के मतदान के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उपद्रवियों ने पोलिंग बूथ पर हमला बोल दिया था और उपद्रवी वहां लगे जंगल को काटकर दो मतों पेटियों को उठाकर ले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। वहीं शुक्रवार को एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने गांव में दबिश दी, जहां पुलिस ने अलग अलग स्थानों से दो व्यक्तियों को लूटी गई दो मत पेटियों व मतदान सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पोलिंग बूथ पर विवाद कर मत पेटी लूटने के मामले में पुलिस ने 24 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिन पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान रिहावली गांव ब्लॉक फतेहाबाद के अंतर्गत जो चुनाव चल रही थी, उसमें करीब दोपहर 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में तो गांव में जो आपस में जो प्रत्याशियों के बीच में झगड़ा हुई थी, तो उसी झगड़ा के दौरान दोनों बूथ में मारपीट लड़ाई झगड़ा हो रही थी। उसी के दौरान एक बूथ के अंतर्गत अचानक भीड़भाड़ आ गई थी और उसी भीड़भाड़ में से कुछ लोग मतपेटियों को लेकर खिड़की के द्वारा कूद कर वहीं से भाग गए हैं। तो उसी के दौरान हम तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच गए हैं और करीब 24 लोग को जो घटना में शामिल है वीडियोग्राफी के द्वारा गिरफ्तार कर ली गई है और साथ ही पूछताछ के दौरान जो मुलजिम जो कब्जे में थे उनकी पूछताछ के दौरान मतपेटियों को बरामद की गई है, जो गांव में ही एक जगह छुपा रखे थे तो वहीं से बरामद किया गया है। तो इन लोगों के खिलाफ डकैती धाराओं के अंतर्गत मुकदमा लिखे हैं 395 और सरकारी कर्मचारियों को बाधा करा है और 7 CLA Act और 3/4 PPDP Act के अंतर्गत मुकदमा लिखी गई है और इन लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जितना भी जो पाबंद हो रखे थे उस समय तो उन लोगों के खिलाफ भी 122 रिपोर्ट दी जाएगी और उसी के दौरान जो पाबंद तोड़ा गया है उसका वो पैसा बरामद किया जाएगा और पैसा ना देने के क्रम में उसका प्रॉपर्टी जब्त किया जाएगा। आगरा से दुष्यंत उपाध्याय की रिपोर्ट।